मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम कोलकाता है। तो हमारे साथ हमारे भाई नितिन रतावा, तो इनके साथ हम जाके आए हैं कृष्ण जी के टेंपल। और आज का व्लॉग होने वाला है, कहाँ जाएंगे भाई? पहले कालीघाट, हाँ, फिर ये जू, हाँ, उसके बाद में अरबाई, उसके बाद हम जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। मेन हमारा मेन मतलब टारगेट है विक्टोरिया मेमोरियल, यहाँ की मतलब टूरिस्ट प्लेस है वो। एंड वेट एंड वॉच। तो भाई कुछ नहीं बताया तो भाई, हाँ अभी हम तैयार होके, अभी टिकट निकाल दिया है, अभी हम जा रहे हैं सीधा विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ से हम सीधा मेट्रो पकड़ेंगे और नितिन भाई हमको गाइड करेंगे, हमारे गाइड रहेंगे, हम टूरिस्ट हैं इनके, ठीक है? तो बने रहना ब्लॉग के साथ। और यहाँ की लोकल गाड़ियाँ ये ऐसी फ्री टैक्सी। तो हम भाई MG रोड पे है अभी। MG रोड से हमको 47B, यहाँ से हमको बस मिलेगी, वहाँ से डायरेक्ट सीधा कालीघाट टेम्पल जाएगी। और मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम है, ये ब्रदर पहले जा चुका है तो इसको तो एक्सपीरियंस है। अभी मेट्रो हम देखने गए तो संडे होने की वजह से मेट्रो का सिस्टम है यहाँ 10 बजे खुलने का, 10 बजे मेट्रो ओपन होती है। और मतलब बाकी नॉर्मल दिनों में खुलती है, बाकी अदर डेज में 7 बजे मेट्रो, 7 बजे मेट्रो खुल जाती है। चलिए हाँ भाई, अब देखो उस बस से उतरे हैं, नितिन रतावा है। अब हम यहाँ पर पूछेंगे भाई कहाँ जाना है, ये वो मेन मतलब यहाँ से कालीघाट का रास्ता है, यहाँ से हमको किसी पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। ये मतलब कालीघाट बस स्टॉपेज है में, ये अनुभव रस्ते में दौड़ते। और कालीघाट का रास्ता स्टार्ट है यहाँ से, आगे तक जाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है भाई, उधर जाके अंदर लाइन भी लगाना है उधर से। नितिन भाई हेलो, राम राम भाई। लाइन में लगे हैं हम, लाइन से जा रहे हैं आगे, पता नहीं कितनी भीड़ होगा, अंदर लॉगिंग कर सकते हैं कुछ पता नहीं है। फाइनली भाई हमारा अंदर का दर्शन हो गया। अंदर तो हमको कैमरा वगैरह नहीं था और हम बाहर आके ऐसे कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं अंदर। मतलब अंदर 1% भी मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, मोबाइल चालू करते ही मोबाइल मतलब छीन लेते हैं पंडित वगैरह। अब आगे का प्रोग्राम कहाँ गया भाई? विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, वेट एंड वॉच। अभी हम मेट्रो पकड़ के मेट्रो स्टेशन से विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, नितिन वेट कर रहा है मेरा। यहाँ का मेट्रो स्टेशन है कलकत्ता का, मतलब अभी यहाँ से हम जाएंगे क्या बोलते हैं हम वहाँ पे, कहाँ जाएंगे हम? विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे यहाँ से। रविंदर सदन जाएंगे यहाँ से। ये मेट्रो स्टेशन है नियरेस्ट हमारे पास से। और ये नितिन भाई जी देख रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। यहाँ का मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा है, पर कन्फ्यूजन हो गया है रविंदर सदन और रविंदर सरोवर है, रविंदर सदन है। तो भाई साहब ने फोन करके पूछा, खुद को तो कुछ पता नहीं है, रविंदर सदन जाना है हमको, ये तो ज्ञान दे रहे हैं बस। भाई मेट्रो में इतनी भीड़ है क्या सोच भी नहीं सकते आप इस मेट्रो में भाई, सच में। यहाँ की वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची बिल्डिंग कलकत्ता की द 48, मतलब ये विक्टोरिया मेमोरियल के पास में है। और ये कौन है? अंग्रेज आए, देखो भाई बाढ़। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने सबसे सस्ती चीज ली हमने मूडी, वो भी यहाँ पर 60 रुपए की भाई, मायने रखता है यहाँ पे स्टोर से लिए।
बहुत बढ़िया बनाते हैं, एक नंबर लगती। विक्टोरिया मेमोरियल टिकट है और ये हमारा विक्टोरिया मेमोरियल, अब अंदर जाके व्यू दिखाते हैं। नहीं नहीं रहने दो भाई जी, नहीं चाहिए भैया सॉरी। और देखिए ये अंदर बाहर का व्यू, एंट्री गेट है, वहाँ से टिकट ला के ये यहाँ पर एंट्री हमारी, ये टिकट है यहाँ की। अरे साइड के अंदर ये पूरा मेमोरियल का फ्रंट बहुत ही भव्य है। ये हमारे बेचारे यार व्यू बहुत तगड़ा है भाई अटका। मतलब कोलकाता की सेनाम बड़ी बिल्डिंग 48 या 47 देखो यार। ये विक्टोरिया मेमोरियल का स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से आप समझ सकते हो मतलब कितनी बड़ी है, मतलब मूर्ति मतलब तस्वीर कितनी बड़ी है भाई। लाज ऊपर को सीन व्यू, इंग्लिश मैडम या अंग्रेज है भाई। वही सिस्टम हाँ शेरवानी है पुराने जमाने की, राजा महाराजा की। भाई इन्वायरमेंट इतना तगड़ा है इधर का, अंदर का देखोगे ना फर्स्ट टाइम वो मतलब आपको बहुत सही लगेगा। ये फ्रंट का है मतलब सीन बहुत सही सीन है इधर का। भाई उनका है स्ट्रक्चर किस प्रकार हुआ था भाई, बहुत बड़ा है चाइनीज देख टॉप आधे टॉप एक बार टॉप है दो दो टॉप है भाई। एनवायरनमेंट बहुत धासु है इधर का। यार देखो नाटक कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाला सब विजिट कर लिया है, हमारे पीछे एक अंग्रेज भी आ रहा है जंपू। अभी ऊपर से व्यू देखिएगा,
भाई साहब ये ऊपर का मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पे है ये, फर्स्ट फ्लोर का व्यू है यार। बंदूक देख रहे हो धुंधल हो रही यार। ओ माउजर है भाई खतरनाक। अड़ी टाइप ऊपर एसी वाला भी लागेड़ा हुआ है, मतलब इन्वायरमेंट ठंड है। यहाँ पर हमको एक आंटी जी मिली थी भूटान की, वो हमारी दोस्त बन गई थी, उन्होंने हमारी लैंग्वेज पहचान ली, वो हमारे राजस्थान में आई हुई थी, इसलिए मैंने उससे भी थोड़ी बातें की थी। एंड करने का समय आ गया, ये मतलब पीछे के गेट से है, भीड़ है इतना, मतलब एंट्री की तरफ से भीड़ है। ठीक है, ये इधर का गेट पीछे की तरफ से, इधर एंट्री के लिए भीड़ लगी हुई है। तो भाई ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इधर इतनी भीड़ है देख लो, उधर टिकट काउंटर। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, तो यही खत्म होता है आज। हमने बहुत एंजॉय किया। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कौन सा, जू, यहाँ कोई पास में जू है तो अलीगढ़ जू, वो अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। और कुछ नितिन भाई जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ धन्यवाद।